हेलो एवरीवन, तो स्टूडेंट्स आपण को मु एजुकेशन रो यूनिट वन एंड यूनिट टू दुईटी जगार टू मार्क क्वेश्चन दे देती एंड एबे देखिबा यूनिट थ्री टोटल पर यूनिट थ्री ए वीडियो शेष करवा यूनिट थ्री रो दुई नंबर संबलित समस्त प्रकार प्रश्न गुड़े जो इंपोर्टेंट अच्छी ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन से आम देखा। ओके, जातीय शिक्षा व्यवस्था कहले कौन बुझ, जातीय शिक्षा व्यवस्था कौन? तो जातीय शिक्षा व्यवस्था कहले निर्दिष्ट स्तर पर्यंत समस्त शिक्षार्थी को समान सुविधा सुजोग जरिया शिक्षा प्रदान व्यवस्था को बुझाए। तेणु प्रथम दस वर्ष शिक्षा मध्य पांच वर्ष प्राथमिक तीन वर्ष उच्च प्राथमिक दुई वर्ष निम्न माध्यमिक शिक्षा अंतर्भुक्त कर। तो युवाक आप पाराग्राफ लिखे किसी असुविधा ना, पॉइंट भी लिखिपारे किसी असुविधा ना। प्राथमिक शिक्षार पाठ्यक्रम कौन थी? प्राथमिक शिक्षार पाठ्यक्रमटी धर्मनिरपेक्ष नीति उपर आधारित, भारतीय संग्राम इतिहास, सांविधानिक कर्तव्य, जातीय ऐक्य प्रतिष्ठा निम्ते आवश्यक विषयवस्तु, नारी और पुरुष मध्य समानता, परिवेश सुरक्षा इत्यादि विषयवस्तु पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त कर। प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिककरण की पदक्षेप नहीं, सार्वजनीन सुविधा सुजोग, सार्वजनीन पंजीकरण, सार्वजनीन धारण आउ सार्वजनीन अंशग्रहण, सार्वजनीन कार्य संपादन ये सब थी। तापर देखो कौन दे अपचय आबद्धता कारण कौन, अपचय कौन पे फास्ट बुझे, आबद्धता कौन, ये दुटा निहत भाव पढ़ी देते हैं। अपचय आ आबद्धतार क्वेश्चन तो 100% ग्यारंटी आसब ही आसब, से टू मार्क हो या फोर मार्क हो आसब ही आसब पे, अपचय आबद्धतार वन मार्क भी आसपे। तो अपचय और आबद्धतार कारण गुड़िक है आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक शिक्षागत इत्यादि, भारतीय मानक मध्य कुसंस्कार, अस्पृश्यता, कुप्रथा इत्यादि अपचय आबद्धता भाई समस्या सृष्टि करें। अपचय और आबद्धता निराकरण पंथा कौन, पंथा कौन ना परिवार आर्थिक मानर उन्नति आने उचित, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र मान स्थापन करचित, मध्यान भोजन, स्वास्थ्य सेवा, मागणा बहिक्षता और पोषाक जोगाण करचित दरकार, दुर्गम अंचल सरकार तरफ विद्यालय मान प्रतिष्ठा करना उपकरण मान जोगाई दि जा उचित। वास्तव जीवन सहित संपर्क या पाठ्यक्रम प्रचलन करवा उचित ये भी रोचे गोटे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही, सार्वजनीन सुविधा सुजोग कहे कौन बुझ, सार्वजनीन सुविधा सुजोग कौन? संविधान 45 धारा 6-14 वर्ष बयसर पिला प्राथमिक शिक्षा देवाई राज्य सरकार को निर्देश देती, विशेषकर 6-14 वर्ष पाने किपर प्राथमिक शिक्षार समस्त सुविधा सुजोग पाए सरकार तहार व्यवस्था करवा उचित, समाज सब वर्गर लोके अंतर्भुक्त होते हैं सार्वजनीन सुविधा सुजोग कहुए। यही क्वेश्चन पे पढ़े प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिककरण में देखा दुईट प्रतबंधक, दुईट प्रतबंधक कौन? अभिभावक निरक्षरता और जनसचेतनतार अभाव। देन डीपीईपी योजना मुख्य उद्देश्य कौन, डीपीईपी योजना मुख्य उद्देश्य कौन? यही योजनार मुख्य उद्देश्य देशर समस्त पिलांकु प्राथमिक शिक्षा सुविधा सुजोग प्रदान करिबा, अनुन्नत श्रेणीर छात्र छात्री मानक विशेष सुविधा देवा, विद्यालय प्रतिष्ठा करिबा। देन आसी कौन, देन आसा आपणकर शिक्षक मानक, ओके शिक्षक मानक सशक्तिकरण पाई तालीम आयोजन करेंगे जोटा कि आप टीचर ट्रेनिंग रोचे। ओके, यहाँ इंपोर्टेंट पे मैंने कलापटा अभियान कौन, कलापटा अभियान मुख्य उद्देश्य, तो यही कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक और परिमाणात्मक विकास घटाइबा। यही योजना मध्यम प्रत्येक शिशुर घर ठार् एक किमी व्यासार्ध मध्य प्राथमिक विद्यालय स्थापन, प्राथमिक विद्यालय गुड़िक अंत पक्षे दुई श्रेणी श्रेणी दुटा श्रेणीगृह रोज जड़े शिक्षक रे सरी जड़े शिक्षक परिवर्तन दुई जन शिक्षक व्यवस्था आ विद्यालय पायखाना परिश्रागार खेल सरंजाम शिक्षा सहायक उपकरण इत्यादि जोगाई देवा सब व्यवस्था करवा रोज कलापटा अभियान उद्देश्य। सर्वशिक्षा अभियान कहीं कार्यकारी होता, तो सर्वशिक्षा अभियान कौन भी पचारिपे। ओके, भारतीय संविधान 86वां संशोधन 6-14 वर्ष बयस प्रत्येक पिला निमंते प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार रूपे ग्रहण करमें एक जातीय कार्यक्रम सर्वशिक्षा कार्यक्रम जो रही कार्यकारी है। तो सर्वशिक्षा अभियान मूल लक्ष्य कौन थी? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जातीय संहतिर आवश्यकता कौन, एटा बेसी इंपोर्टेंट अच्छी जातीय संहतिर आवश्यकता कौन? जातीय एकता वृद्धि करी एक सुस्थ सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक राष्ट्र गठन करिबा, देशरे बसवास करथुवा लोकमानक मध्यरु जाति धर्म वर्ण उपर आधारित भेदभाव दूर करिबा, निज देश को बाह्य शत्रु आक्रमण रु रक्षा करिबा। ओके, तापर जिबा तापर देखंतु जातीय संहति रक्षा दुईट प्रतिबंधक कौन? भाषागत विरोध आउ धर्मगत पार्थक्य रोचे दुटा प्रतिबंधक। तापर जातीय संहति शिक्षा रे शिक्षकों भूमिका विषय लेख पे यहाँ कौन हम विद्यालय विभिन्न जातीय दिवस पालन पूर्वक छात्र छात्री मन में जातीयता मनोभाव शिक्षक सृष्टि करें, शिक्षक छात्र छात्री मान मध्य सर्वधर्म समन्वय चेतना जाग्रत करवा आवश्यक। जातीय संहति सृष्टि करुवा दुईट उपादान लेख, जातीय संहति सृष्टि कर दुईट उपादान कौन? जातीय दिवस पालन, स्वाधीनता संग्रामी जीवनी अध्ययन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा
जातीय संहति सृष्टि करने विद्यालय दुईट कार्य है जातीय संहति दिवस पालन करने नाटक और संगीत मध्यम जातीय संहति मनोभाव सृष्टि करने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा आप रोज सिलेक्टेड क्वेश्चन जातीय संहतिर लक्ष्य कौन लक्ष्य है छात्र छात्री तथा जनसाधारण मध्य विभिन्नता मध्य एकतार बार्ता प्रदान करवा एक सुस्थ शक्तिशाली राष्ट्र गठन पर दृढ़ परिकर होगापर पूर्णा संपूर्णानंद कमिटी एट ना ये इंपोर्टेंट ना खाली मन रखिए संपूर्णानंद कमिटी 1961 फर्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते यहाँ रही सिलेक्टेड द्रुत सहरीकरण किपर परेश प्रदूषण सृष्टि करता है कलकारखाना स्थापन और सहर नगर मानक कोठाघर वृद्धि यह सब हवा द्वारा जानवाहन वृद्धि परेश को प्रदूषित कै सहर अधिक संख्यक लोक कम स्थान में बसवास करमकर वर्ज्य वस्तु एणे तेणे जमा हो परेश प्रदूषित होता है। परेश प्रदूषण कारण कौन कारण है परेश सुरक्षा उपर दृष्टि नद विकास योजना करवापर दीर्घमियादी योजना प्रस्तुति में दूरदृष्टि अभाव दारिद्र्यपर लाभकर मनोभाव द्रुत सहरीकरण तापर परेश प्रदूषण परिणति कौन हम वायु प्रदूषण फल अनेक रोग सृष्टि हम शारीरिक वैकल्य सृष्टि हम मानव सामाजिक आवेगिक तथा मनस्तात्विक समस्या मान भी सृष्टि होता है। परेश शिक्षापी शिक्षकों भूमिका कौन शिक्षक मैंने केवल पाठ्यक्रम पाठ्यदान क्षेत्र में सक्रिय न हो अध्यापना अधिगम परिस्थितर संस्थापक परिचालक नियंत्रक होगा दरकार श्रेणीगृह परिचालना मध्य संस्कारमूलक भाव में परिवर्तित होगा उचित समय उपयोगिता को उपलब्धि कराई शिक्षार्थी मध्य आग्रह उत्कंठा को आखि आगे रखी विद्यालय कार्यक्रम संपादन होगा दरकार। अर्थनैतिक मूल्यबोध कहले कौन बुझे अर्थनैतिक मूल्यबोध कौन व्यक्ति निजर आवश्यकता पूरण करने अनेक जिन क्रय और विक्रय करार अर्थ आवश्यकता पूरण अर्थर आवश्यकता पूरण करें खाद्य वस्त्र और पानी आवश्यकता अर्थ दरकार जहाँ अर्थनैतिक मूल्यबोध अटे सौंदर्यवान होगापी एवं सौखीन जीवन जापन अर्थ दरकार मात्र अर्थनैतिक मूल्यबोध नुहे। ठीक अच्छे मूल्यबोध कौन ओके भैल्यू बा मूल्यबोध कौन मूल्यबोध कौन निर्दिष्ट अर्थ ना कौन सी एक कार्य तथा नाचवा गायबा खेल इत्यादि करने समय जदि तार अगर क्षति साधन कर न थाए आत्मतृप्ति मिलता है तेज से मूल्यबोध निहित अच्छी कहणु मूल्यबोध कहले कौन पदार्थ को बुझाई न थाए यह एक चिंताधारा विचारधारा को बुझाई थाए मानविक अधिकार कह कौन बुझे बहुत इंपोर्टेंट बोले मैंने जीक आप आलोचना करुच्छे जीक आप आलोचना करुच्छे बहुत इंपोर्टेंट गोटे भी क्वेश्चन मिस करूँ एगुड़ा ही पड़ो मानविक अधिकार कहे कौन बुझे मानविक अधिकार कौन ना मनुष्य को मनुष्य बढ़े और मर्यादार सह बचार बचा को जहाँ जहाँ दरकार से ही सब हूँ जो सब अधिकार दरकार मानविक अधिकार। ठीक अच्छे तापर शिक्षार मूल्यबोध शिक्षार दुईट प्रयोग लेख शिक्षार मूल्यबोध शिक्षा दुईट प्रयोग कौन आधुनिक समाज में शिक्षार्थी मैंने व्यक्तिकेंद्रिक न हो सामाजिक केंद्रिक होगा उचित गोटे आउ पारिवारिक शांति सद्भाव एवं निजर मानसिक शांति प्रत्येक कार्यकलाप को समीक्षा व निरीक्षण करवा उचित। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देला शिक्षार सूचना और प्रजुक्ति विद्यार जो दुईट उपयोगिता लेख शिक्षार सूचना प्रजुक्ति विद्यार इंपोर्टेंट पे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट यहाँ कम समय यह अधिक तथ्य उपलब्ध होता है यहाँ शैक्षिक मूल्यायन सहज होता है। सूचना प्रजुक्ति विद्यार दुईट दोष त्रुटि वर्णना कर कौन दुईट दोष त्रुटि शिक्षकों भूमिका ह्रास मूल्यबोध शिक्षार अभाव सृष्टि करवा शिक्षादान क्षेत्र में शिक्षक और छात्र संपर्क ह्रास करवापर कंप्यूटर परिचालित शिक्षा और कंप्यूटर सहायक शिक्षा कौन या भितर पार्थक्य तो पे एमती भी पढ़ी पाए कंप्यूटर परिचालित शिक्षा कौन कंप्यूटर सहायक शिक्षा कौन एमती पढ़ी पाए है तो कंप्यूटर सहायक शिक्षा अनेक तथ्य संग्रह कर शिक्षार्थी व्यवहार करते यह शिक्षण प्रक्रिया को सुखप्रद करता है मात्र कंप्यूटर परिचालित शिक्षा द्वारा शिक्षार्थी संबंध में अनेक तथ्य संग्रह कराई रखा जाए शिक्षादान अनेक पाठ्य विषय वस्तु धारावाहिक भाव में शिक्षादान प्रस्तुत कराई भविष्य व्यवहार में रखा जाए। तापर श्रेणी शिक्षादान में सूचना प्रजुक्ति विद्या जो दुईट प्रयोग शिक्षादान क्षेत्र में कंप्यूटर व्यवहार करवा इंटरनेट्र व्यवहार कर विभिन्न अत्याधुनिक तथ्य संग्रह करवा तापर कंप्यूटर सहायक शिक्षा कहे कौन ये आपको कहूँ जस्ट टी पूर्व जो कंप्यूटर सहायक शिक्षा और कंप्यूटर परिचालित शिक्षा देखिपारे मुझे कहीदे आगू दूरशिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका कौन एट इंपोर्टेंट अच्छे पे दूरशिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका कौन ना दूरशिक्षा बा पत्र माध्यम से शिक्षा आज कंप्यूटर माध्यम से कम समय दि जाऊँगी या सहित इमेल बा टेलीफोन कार्यकलाप वार्तालाप माध्यम दूरस्थ शिक्षकों सह शैक्षिक संपर्क रक्षा कर तापर सूचना प्रजुक्ति विद्या शिक्षार्थी को किपर साहय करे यह शिक्षार्थी सृजनी शक्ति वृद्धि कर विभिन्न समस्या समाधान साहय करता है यह वृत्तिगत जीवन क्रम गठन निम्ते एक अपूर्व सुजोग सृष्टि करें। तापर सूचना संचार प्रजुक्ति विद्या कौन यह संज्ञा लेख निहत इंपोर्टेंट पे पचार सूचना प्रजुक्ति विद्या कौन
तो जो शिक्षा सूचना और जोगाजोगर समस्त उपकरण मध्यम संपादित होता है सूचना प्रजुक्ति विद्या कहुए। सूचना प्रजुक्ति विद्या किपर शिक्षक को साहय कै प्रथमतः यह व्यापक शिक्षा संभावना सृष्टि सृष्टि सहायक होता है। द्वितीयतः यह विभिन्न प्रजुक्तिगत उपकरण तथा कंप्यूटर रेडियो टेलीविजन माध्यम शिक्षण को त्वरान्वित करने साहय कै। तापर सूचना और संचार प्रजुक्ति विद्यार दुईट अपकारिता लेख शिक्षण प्रक्रिय यार उपकरण गुड़िकर व्यवहार कष्टकर हुए। शिक्षण प्रक्रिय यार उपयोग खूब व्ययबहुल। शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रतियोगिता दुटी प्रयोग कौन तार ना उपयुक्त पाठ्यक्रम चयन बेले यह साहय कर शिक्षार प्रचार और बहुत प्रसार पर यह उद्दिष्ट। तापर विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO यहाँ कौन पचारिपारे या मत नैपुण्य शिक्षा कौन तो विश्व से ही मत हो उपयोगी तथा युक्तात्मक व्यवहार जहाँकि व्यक्ति को जीवन में आवश्यकता और कष्टकर समस्या को फलप्रद भाव में सम्मुखीन होबार सक्षम कराए। जीवन नैपुण्य शिक्षा किपर व्यक्ति को सक्षम कराए तार तीनोटी उपाय लेख यह ज्ञान मनोभाव दक्षता और मूल्यबोध गुड़ कार्य परिणत कराए। यह आत्मविश्वास सृष्टि साहय कै अन्य प्रति सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन में सहायक हुए। हु द्वारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तीनोटी जीवन कौशल नैपुण्य लेख आप दुईटा पचार दीपे है कौन लगे आत्मसचेतन सृष्टि निष्पत्ति नेबार दक्षता हासिल आउ आवेग आवेगर सुपरिचालना। ठीक अच्छे तेन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जीवन नैपुण्य शिक्षार दुईट गुरुत्व लेख कौन दुटा गुरुत्व यह शिक्षा शिक्षार्थी को यही शिक्षा शिक्षार्थी को आत्मसचेतन कराई से उत्तम कार्य करने को प्रोत्साहित करे। यह शिक्षार्थी निष्पत्ति नेबार दक्षता वृद्धि घटाए से समस्या समाधान सहायक होता है। मैंने आउ दुईटा क्वेश्चन रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोाजोग कह बुझ कम्युनिकेशन कौन ना जड़े अन्य जन सहित भावर आदान प्रदान सह अंशग्रहण करने को जोाजोग कह जाए। कम्युनिकेशन शब्दी लाटिन शब्द जोटा कि लाटिन शब्द कम्युनिट कम्युनिस रु आसी यही प्रक्रिय जड़े व्यक्ति अन्य जड़े व्यक्ति पाख को कौन सी वार्ता सन्धान मनोभाव अनुचिंता आदि प्रेरणा करते हैं। जोाजगर उपादान कौन जोाजग उपादान संवाद संवाददाता संवाद मध्यम तपर संवाद ग्रहिता। तपर जोाजगर मध्यम कौन ये लास्ट क्वेश्चन मैंने सरला ये जोाजगर मध्यम कौन जोाजग मध्यम होती ठार बा संकेत शब्द चित्र अभिनय लिखन कौन मध्यम आउ अन्य मध्यम पे प्रायत मुझ सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ा ही आनी एक्चुअली पे भाई तो सब हाइलाइट है कौटा सिलेक्टेड कहीं सब तो प्रायत आलोचना है पे किसी क्वेश्चन छाड़ी बट ये जो टेस्ट पेपर ना यही टेस्ट पेपर मुझ खोजी खोजी आनी कारण यही टेस्ट पेपरटा बहुत सारा क्वेश्चन था जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड तर भी मुझे आपको हाइलाइट करके आनी अन्य कौन से टेस्ट पेपर आनी बोलते चार्टा कि पांचटा खंडे क्वेश्चन हाइलाइट हो पाता है बाछी बाछी गोटे एमती टेस्ट पेपर आनी जो कि बहुत सारे दुई मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ा तेणु प्रायत सब गुड़ा आलोचना करके पड़ा तथा मुझे किसी गोटे स्किप करी किसी आपन सहित आलोचना करी आशा करती पे आपको भिडियो बुझा पड़ थो एंड एति ही आप पढ़ दिखाँ टेलीग्राम जॉइन कर दिखाँ सब प्रकार अपडेट पाया निजर डाउट क्लियर करने ओके ये पढ़ दिखाँ यूनिट थ्री कंप्लीट आम यूनिट थ्री कंप्लीट देन आम खाली यूनिट फोर को जी यूनिट फोर टू मार्क कंप्लीट होगा टोटल टू मार्क कंप्लीट होजुकेशन ओके पे थैंक यू सो मच।